जिहड़े मंत्री चुन के आउंदे आ पहलो एमएलए बनदे आ फिर मंत्री बनदे आ उह चुनदे तां असीं लोकी आ ना। मैं इसे करके आना वा कि बड़ा जरूरी आ कि तुसीं सारे स्टूडेंट्स जिहड़े 18 साल तों बाद हुण वोट पा सकदे जे अपनी वोट जरूर पाए जिहड़ी मर्जी पार्टी नूं पाओ पर वोट दा हक जिहड़ा वा उह जरूर इस्तेमाल करियो। जी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? चुग साहब तो मैडम किरण नूं सवाल है। इन्होंने शुरू तो गल की है गवर्नमेंट कॉलेजेस दी, बेटे ने भी गल की है गवर्नमेंट कॉलेज खोलिया। एक तो क्लासेस इन्हें दस्या बीए बीकॉम तो अलावा कुछ नहीं है, पर एक गवर्नमेंट कॉलेज खोल के जेडे बाकी 9 कॉलेज ने जी उन्हां दा की हाल है इस वेले? मैं दस देना चाहना पिछले 9 महीनों तो 95% ग्रांट इन एड स्कीम दे अंडर सैलरी नहीं मिली टीचर्स नूं। 9 महीनों तो सैलरी नहीं मिली, और जे टीचर नूं सैलरी नहीं मिलेगी वो स्टूडेंट नूं किहो जी सिक्ख्या देणगे? नंबर 2 अमृतसर दे 9 कॉलेज इनकलूडिंग गवर्नमेंट कॉलेज ते एडिड कॉलेजेस, इन्हां च 50% रिक्रूटमेंट जिहड़ी आ होण वाली है, पोस्टां खाली पईआं, और असीं 5 साल तो रौला पा पा के थक गए हां कि पोस्टां भरो जे तुसीं म्यारी सिक्ख्या देनी है, पर सिक्ख्या नहीं दित्ती जा रही। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्लियर। मैं वापस आना चाहना वहां डिबेट से सियासी आगों को कि वो सिक्ख्या बारे और बाकी मुद्दे बारे कि इन्हों को हल है गया। जी जुगशो जी तुसी दसोगे जे कांग्रेस सरकार सत्ता च आउंदी आ ते वो एजुकेशन दे जिहड़े इशूज इत्थे रेज होए आ और अमृतसर दी डिवेलपमेंट दे जिहड़े इशूज रेज होए आ उहनां वास्ते की करूगी? सब तो पहले तो मैं ये कहना चाहना कि नौजवानों नूं खास तौर पर राजीव गांधी जी ने 18 साल का वोट पाउण दा अधिकार दिता। दूसरी गल अज राहुल गांधी जिहड़े ने वह नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे ने, और उन्होंने जिते मेरे बच्चे काफ़ी इतने पोलीटिकल इंट्रस्ट रखते ने उन्होंने नौजवानों नूं टिकटां भी दित्तियां और मैंबर पार्लीमेंट भी बनाया, और इसलिए मेरा ख्याल है कि कांग्रेस पार्टी से सब तो ज़्यादा नौजवान जिहड़े हैगे। जितों तक एजुकेशन की गल है प्रिंसीपल साहब ने कहा है जो मैं MLA सी उस वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कोलों इन्हां दा पंजाब दा जिहड़ा तुहानूं याद होएगा सारे जिहड़े तुहाडा आर्गनाइजेशन सी उन्हां नूं लैके गए सी, इन्हां ने 9-10 पॉइंट उन्हां दे अगे रखे सी। मैं नहीं कहिंदा कि 60% जिहड़े उन्हां दी डिमांड जिहड़ियां सन असीं पूरियां कीतियां ने, पर काफ़ी डिमांड पूरियां कर दित्तियां। जगन किशोर जी जिहड़ा कल मैनीफेस्टो आया वा कांग्रेस पार्टी दा उहदे च स्टूडेंट रिलेटड मुद्दे शायद ही 1-2 आ, एक तो शायद यह आ कि जिहड़ा आकाश टैबलेट है जिहड़ा कंप्यूटर आ उहदे 50% सबसिडी दित्ती जाऊगी, होर शायद कोई बुंदा भी नहीं, कोई इशू भी नहीं है उहदे। देखो उन्होंने जिथे नौजवानों की गल की है कि नौजवानों नूं आपां नौकरी दवावांगे नौजवानों नूं अग्गे लैके जावांगे वो भी इहदे विच ही मुद्दा आंदा है। जी अच्छा मैं वापस नहीं एक मिनट वापस आ रहा मैं 1,76,000 करोड़ रुपया लगा लिए शीना जी, जे पीपल्स पार्टी हिस्सेदार बनती है सरकार बनाने दे विच ते तुसी की लेके जाओगे स्टूडेंट्स रिलेटेड मुद्दे और बाकी अमृतसर दे विकास दे मुद्दे? देखो पहली गल तो असीं 25 सरकारी कॉलेज खोलना चाहुंदे आ सारे पंजाब दे विच जिस विच आम आदमी दा बच्चा पढ़ सके। इहदे च कोई अमृतसर दे विच ही खुलूगा कोई? बिल्कुल उहदा हिस्सा जिहड़ा अमृतसर नूं आऊगा, क्योंकि जदों मैं पिंडां च जाके लोकां दे हालात देखदा वां 147 रुपए दिहाड़ी करन वाला मजदूर जिहदी आपां मजदूर दी हालात देखदे आ वह बच्चा जिन्हें कालजा च असी बैठे हाँ इतने बच्चे नहीं जे पढ़ा सकता। सानू यह चीज समझनी पैनी है, आपां नूं विद्या उस लैवल ते प्लान करनी पैनी है। चुग साहब आंकड़िया दे नाल नहीं गल बननी, विद्या दित्या गल बननी। जी किरणजोत जी तुसी श्रोमणी अकाली दल दे नाल संबंधित जे सरदार प्रकाश सिंह बादल एजुकेशन की काफ़ी गल करते हैं, शायद उन्होंने अपने पिंड दे विच भी कोई स्कूल खोले है,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? मैं सब तो पहला तो अज की डिबेट लिए कहना चाहती हाँ कि जिन्हें इतने यूथ हैं उन्होंने जेडे इशूज चुके हैं हेल्थ एंड एजुकेशन बेसिक इंडेक्स स्टेट की डेवलपमेंट का यही होंगे और तुसे बिल्कुल जेडी डेवलपमेंट की नब्ज है उन्होंने पकड़िया है। पर दूसरे पास यह भी सच्चाई है कि जे असी एजुकेशन सिस्टम की गल करिए या असी सिर्फ इन्हों पांच साल के समय में दोषी या ये नहीं क्लेम कर सकते कि ये सारा गलत होया या सही होया क्योंकि हकीकत यह हैगी है कि अज तो 25 साल पहले जे एक पिंड दे स्कूल दा बच्चा पढ़िया अज सीनियर अफसर पंजाब सरकार दा लग सकदा है और अज दे समय दे विच स्कूल एजुकेशन दे विच ही इन्नी डिस्पैरिटी आ चुकी है कि बच्चा शहर च पढ़ता है कि पिंड विच पढ़ता है उस ते ही बड़ा मुनसर करता है कि उहदी फर्दर डिवेलपमेंट की है। सो एजुकेशन दे इशूज दे विच सानू डिस्पैरिटी जिहड़ी आ गई है उहनू खत्म करन दी लोड़ है और इस सरकार दे विच जदों डॉक्टर रुपिंदरजीत कौर एजुकेशन मिनिस्टर सी उन्होंने पिंडां दी जिहड़ी प्राइमरी एजुकेशन है उहदे उपर फोकस करके ते जिहड़ी इक बड़ी वड्डी कंप्लेन के टीचर हाजर ही नहीं हो रहे पहुंच ही नहीं रहे स्कूलां दे विच उहनू घट्टो घट्ट उहनां दी प्रेजेंस लाजमी करन वास्ते और उहनां नू उत्थे बच्चां नू पढ़ाउण वास्ते एक सिस्टम सेटअप किया जिदे विचो थोड़ी रिस्पांस आनी शुरू हुई। तो शायद नहीं आया हाली पार्टी दा जे मैनिफेस्टो आउ तो उहदे च कोई स्टूडेंट रिलेटेड इश्यूज है मैनिफेस्टो दे विच? देखो एक तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जिहड़े साडे दायरे दे विचो स्पोर्ट्स तो बिल्कुल खत्म हो चुका है कल्चर उहदे विच अकाली भाजपा सरकार ने जिहड़ा कबड्डी गेम नूं वापस फोकस विच लियांदा है एक अजिही गेम जिहड़ी कि पिंड लैवल ते शहर लैवल ते इहदे विच तुहानूं किसे पैसे की जरूरत नहीं है पर इहदे विच फिजिकल एक्टिविटी है। सो स्पोर्ट्स नूं एजुकेशन नूं डेफिनेटली इह इशूज हन जिन्हां दे उपर फोकस कीता जाएगा। करन तुसीं दसोगे कि जे अकाली भाजपा सरकार दुबारा वापस आउंदी आ ते एजुकेशन फील्ड इन पर्टिकुलर हेल्थ वास्ते और अमृतसर दी शहर दी डेवलपमेंट वास्ते होर की करोगे? ऐसा है कि एजुकेशन दी फील्ड च बच्चे इस गल नूं ध्यान देन जिहड़ा पंजाब दा टोटल बजट 600 करोड़ रुपया पांच साल च लगा 2002 तो 2007 असीं उहनूं पांच गुना कीता 3100 करोड़ रुपया एजुकेशन दा बजट पांच साल च लगाया और पहली वारी है कि असीं शिक्षा के क्षेत्र च 71,000 टीचर्स भर्ती किए जिहड़े कि कदी नहीं सी भर्ती होए पांच साल हो गए सी स्कूल खाली सी टीचर नहीं सी हैगे 71,000 असी टीचर भर्ती किए जिहड़ी जॉब्स की गल है 1,25,000 नौकरियां साडी सरकार ने पांच साल च दित्तियां और साडी सरकार आ रही है असी अगले 5 सालों च 3,00,000 नवे रोजगार स्टूडेंट्स नूं नवे नौजवानों नूं देंगे। जिहड़ी हैल्थ की गल आई है 108-240 जड़ियां बसां एंबूलेंसिस साड़ी सरकार दे टाइम चाहिए हैं असी इहनू अगो ऐसा सिस्टम बनाने वाले हाँ कि हर मोहल्ले 240 नू 480 किया जाए 960 किया जाए ताकि हर व्यक्ति तक फ्री एंबूलेंस आए। चीजा जो गाइया वा ए अकाली भाजपा की तालमेल है? बिल्कुल बिल्कुल तालमेल है जी जड़ी सरकार तालमेल नाल चल रही है जी। और सरकार जड़ी है जी जवाब देना तुहानू मेरा इत्थे जनता नू ए भी पुछना साडा अपने नेतावां नू पुछना पवेगा कि जेड़े लोग सरकार दे विच वित्त मंत्री रहे 3.5 साल और कांग्रेस दे कहन ते इस गल नाल सत्ता चो बाहर आए कि असी पंजाब दी सबसिडी बंद करांगे मैं इत्थे प्रश्न रखना चाहना क्या असी पंजाब दी फार्मिंग नू बंद करना चाहने आ? ए लोग अज पहलो फार्मिंग जिहड़ी है 15 सेकंड दे विच देखो एक मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दे विचों मास्टर्स कीती आ उत्थे कृष्ण कुमार जी बहुत तगड़े आईएएस अफसर होए ते साडे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दे डायरेक्टर रहे ने उन्हां बारे लिखतां पढ़ियां मैं जिहड़े बाहर सेंटर चले गए जिहड़े हां जी जी हालात उन्हां दे ऐसे कीते पंजाब सरकार ने एजुकेशन चो कढ के जाके हेल्थ च वारता जिहड़ा बंदा एडा एक्सपर्ट होवे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नूं रेफर करे इन्हां ने एजुकेशन बारे कोई भी चीज नहीं जी। मैं सवाल लेना चाहना मैं इस तो पहले कि असी डिस्कशन नूं समाप्त करिए जी जी जिहड़े सारे सियासी आगू ने मेरी सलाह आ भी कंपैरिजन नाल नहीं जे सरकारां चलदियां जिहड़ा अज दा यूथ आ इहदा इक्को नारा जे फीसां घटाओ ते बच्चे पढ़ाओ इही नारा नौकरियां भी दवाओ
बच्चे पढ़ के मुंडे कुड़ियां नौकरियां मिलन पिछे एक सवाल पूछना चाहते हैं इन्हों तो सवाल जी 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 कैरी ऑन ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੋਗੇ ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਮੈਡਮ 18,000 ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਬੱਚੇ 71,000 ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਗਿਣੀਏ 71,000 ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ 18,000 ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 18,000 ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 18,000 ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਦੇਵੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੁਗਲ ਜੀ समा इस वेले खत्म हो गया सियासी आगुआ का तुहाडा सब खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिस्कशन दे विच हिस्सा लैण वास्ते आए अमृतसर वासियों ने बहुत मुद्दे साडे सामने रखे कुछ विधानसभा चोणां का रुझान का भी पता लगा समस्यावां बहुत सामने आई खास करके नौजवानों दीआं हुण 30 जनवरी नूं सारियां वोटां किहड़े पासे पैणगियां तुसीं किहनूं जिताओगे इहदे वास्ते शायद मार्च 6 दा इंतजार करना पवेगा अज बस इना ही नमस्कार सत श्री अकाल खुदा हाफिज़।